ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप ही को सलाम देना, बच्चों को प्यार हवा को कहना छोड़ रही है। मैं सफ़र इसलिए कर रही हूँ कि शबाज एक हफ़्ता पहले ही जा चुके थे, और इसलिए मैं ये वाले शूज़ पहन के आई हूँ, और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये आप खुश हो गए हैं, अब मैं कुछ खा लूँ, अब मैं कुछ खा लूँ या ताफिश। बहुत ही बड़ा ये एयरपोर्ट है, और मुझे गेट ढूंढने में बहुत मैं पहुंच गई हूँ। बैग भी अमार, कैसा लग रहा अपनी गाड़ी में? जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज यहाँ मुझे देख रहे हैं एयरपोर्ट पे, वो इसलिए कि मैं वापस जा रही हूँ और मुझे भैया सी ऑफ करने के लिए आए हैं, और सामान वगैरह बुक हो गया था, और अभी जो है हम सिर्फ जो है सामान वगैरह बुक हो गया था, अभी सिर्फ मैं यहाँ अंदर जा रही हूँ वेटिंग रूम में, और थोड़ी सी नर्वस हूँ, अकेले सफ़र कर रही हूँ, अमार के साथ तो थोड़ा मुश्किल ही होता है ना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को एंड तक देखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ देखिए मैं हूँ हीथरो एयरपोर्ट पे, जो कि बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए भैया मुझे सी ऑफ करने के लिए आए हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप ही को सलाम देना, बच्चों को प्यार हवा को कहना छोड़ रही है। हाँ वो पूछ रही हूँ उनसे। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे चेक होना है। ओके हाँ जी ठीक है, बोर्डिंग भी ओके। अल्लाह हाफिज। तो जी यहाँ पे देखिए सामान वगैरह बुक हो गया, चेक इन हो चुका, बोर्डिंग कार्ड मिल गए, और मैं यहाँ पे अब वेटिंग एरिया में हूँ, क्योंकि फ्लाइट मेरी 6:40 पे है, और अभी तक गेट नंबर शो नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और मैं साथ विंडो शॉपिंग करूँगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत एक्सपेंसिव होता है, और मेरे पास कोई जगह नहीं कि मैं कोई सामान भी यहाँ रख सकूँ, और विंडो शॉपिंग का अपना ही मज़ा होता है। चले हम आपके साथ विंडो शॉपिंग करते हैं। और जो एक बात थी कि मैं क्यों इतनी जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगी ईद करके जाऊँगी, और शेर अली की बर्थडे, जो मेरी सिस्टर का छोटा बेटा है शेर अली, उसकी बर्थडे थी, तो वो बर्थडे देख के बर्थडे सेलिब्रेशन करके हम मैंने जाना था। तो अब मैं इतनी जल्दी क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, इसलिए आपको मेरे साथ रहना है, वीडियो को फुल देखना है और इन्जॉय करना है। असल में अकेले मैं सफ़र इसलिए कर रही हूँ कि शबाज एक हफ़्ता पहले ही जा चुके थे, और इसलिए मैंने रहना था ईद तक, और मैं अब नहीं रह सकती ईद तक। वो क्यों नहीं रह सकती वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बताऊँगी। और अभी हम करते हैं शॉपिंग, आपने रहना है मेरे साथ, फिर मैं आपको लंदन का जो एयरपोर्ट का अंदर का व्यू है वो क्या। ये देखिए जी यहाँ पर मेकअप एरिया है, और अमार सो रहे हैं, ये भी बहुत तंग कर रहा था मुझे अमार, और मैंने शुक्र है कि अमार सो गया, बहुत तंग कर रहा था। तो मैं ऐसा ही करती होती हूँ कि मैं जहाँ पे स्टे हो थोड़ा सा, या फिर थोड़े लेट जाना हो, तो मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, इतनी प्यारी परफ्यूम्स होती हैं वो लगा लेती हूँ, बस थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे एक्चुअली एक चीज़ देखनी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्रांड मैंने पहली दफ़ा देखा है, नर्स का लिक्विड ब्लशन, ये तो खुदा ब्यूटी है। अजीब बात है कि वो डिलीवरी नहीं आ रही, सॉल्ट आउट हो गया है, नो मैटर, हम जर्मनी में देख लेंगे है।
पे आई हूँ चेक करने के लिए कि गेट नंबर शो हुआ है कि नहीं। मेरी एयरलाइन है हानावर, मुझे नज़र नहीं आ रही। 1840 पे हानावर गेट शो डिलेड। ओ माई गॉड, डिले हो चुकी है। आपको नज़र आ रही है 1840 पे और डिले हो चुकी है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता भूख लग रही है। रमज़ान रोज़ा सफ़र में नहीं रखा इसलिए मुझे भूख लग रही है और मैं खा सकती हूँ। इधर आगे क्या है, इधर चल के देखते हैं इधर क्या है। हाँ जी, इस तरफ पे ब्रांड्स की शॉप्स हैं, बैग, वॉच, परफ्यूम नहीं है, एंड लुई विटॉन एंड और यहाँ कुछ खास इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लग रहा। वापस चलते हैं बैक और कुछ और ढूंढते हैं और कुछ खाने के लिए भी ढूंढ। थोड़ी बात करते हैं लंदन के बारे में। तो लंदन में मुझे बहुत प्यारा सिटी है, लेकिन मुझे जो है अंग्रेज़ बहुत कम नज़र आए हैं। जो क्वीन वाला एरिया था सेंट्रल लंदन, वहाँ पे तो बहुत अंग्रेज़ वगैरह देखने को मिले, लेकिन जो बाकी एरिया था लंदन का, वहाँ पे मुझे बहुत कम जो अंग्रेज़ नज़र आए हैं। मिक्स लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो हैं जो अफ्रीका के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद एशियन बहुत ज़्यादा हैं, इंडियन एंड पाकिस्तानी एंड चाइनीज़। लेकिन आपको हर तरह का बंदा वहाँ मिल जाएगा, हर तरह का। ये अच्छी चीज़ है, हर तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया है लंदन में। इंशाल्लाह से जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी, मेरी अम्मी आएंगी, मेरी सिस्टर आएंगी, तो मैं फिर आ जाऊँगी। तब तक आप ही कह रही थी कि वो बड़ा घर लेंगी, तो हम फिर आ जाएंगे। अभी तो मैं आपकी को इनवाइट करके आई हूँ अमार की बर्थडे के लिए। आई होप कि वो आए अमार की बर्थडे पे और मुझे सरप्राइज करें। मैं ये वाले शूज़ पहन के आई हूँ और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मुझे बहुत ये लग रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद ये शूज़ पहने हैं। मैं ये पहनूं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए कहीं जाना हो तो मैं ये वाले शूज़ पहन लेती हूँ। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते। मैं दूसरे शूज़ वैसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, कुछ खाने के स्टॉल लगे हैं। पता नहीं, मुझे भूख लग रही है तो मुझे हर तरफ खुशबुएँ आ रही हैं, लेकिन ये आई थिंक सो काफ़ी है। अच्छा, ऊपर होगा, ऊपर का एरिया है, वहाँ पे कुछ खाने को मिल जाएगा क्योंकि मेरी फ्लाइट डिले हो चुकी है और मुझे बहुत भूख लग रही है। ऊपर से इतना चलना पड़ा, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। सेल। कितना ज़्यादा और है, मैं अभी से थक गई हूँ चल चल के, मेरे से नहीं चला जा रहा। आई थिंक मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए ना तो मैं फिर बैठ जाऊँ कहीं। हाँ, कहाँ जगह ढूँढूँ कहाँ बैठने के लिए और खाने के लिए क्या मिलेगा। आई थिंक मैं यहाँ से कुछ ले लूँ या फिर मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आई थिंक रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, मैं वहाँ से कुछ ले लूँ या फिर यहाँ से। मुझे हर किसी पे पढ़ना पड़ेगा। रोज चिकन एंड बेकन,
Chicken salad, chicken mayo, sushi, vegan, no chicken salad. यहाँ से मैंने खाना ले लिया अपना और अम्मा साथ साथ रो रहे हैं क्योंकि इन्हें भी भूख लगी और इनके लिए भी दूध बनाना है हमने। चले अम्मा चले चलो ओए और अभी हम एक जगह ढूंढेंगे जहाँ हम बैठ के खाएंगे। ये भी है जगह लेकिन मैं थोड़ा सा वाइट एरिया ढूंढना चाह रही हूँ। वाइट एरिया यहाँ तो एरिया ये फुल है फुल। ओके जगह हम ढूंढ लेंगे। सामने ही बैठ जाती हूँ। ओके हम उस साइड पे जाते हैं। देखिए कितना अच्छा सा बना है। सामने बहुत अच्छा सा बना है जहाँ भी आपको प्लेन भी नजर आएंगे। ये ठीक है यहाँ पे बैठते हैं और आपके लिए दूध बनाते हैं साथ। ठीक है अपना दूध पी लिया अब खुश हो गए हैं। अब मैं कुछ खा लूँ या ताफिश। और ये है जी लंदन। पहले आपको दिखाया था लंदन एयरपोर्ट हीथ्रो एयरपोर्ट अंदर से और ये है बाहर से। प्लेन खड़े हैं सारे। मौसम बहुत रेनी है। आई थॉट आई थिंक ये शायद मौसम की वजह से डिले हुई है मुझे क्या पता। मैं तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिया है जी सैंडविच चिकन सलाद वाला और यहाँ पे ये साथ उन्होंने फेटा एंड रेड पेपर वेजी रोल्स एक मेन्यू बना हुआ था उसमें ये एंड एक दो सैंडविच और कोक आप कोई से भी ले सकते हो ड्रिंक आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मैं बस जल्दी से खा लूँ और यहाँ पे मैं गेट भी देख रही हूँ अभी भी शो हो रहा है कि डिले है। ओनली 20 मिनट्स 5:20 हो चुके हैं। मुझे गेट का पता चल गया है और मैं गेट की तरफ जा रही हूँ जल्दी से। गेट ढूंढने में गेट यहाँ पे ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे क्या है ट्रांसिस्ट पे बैठ के जाना है ट्रांसिस्ट। हाँ। यहाँ पे देखें कितने लोग खड़े और हमारा भी शो में जा रहे हैं। आई थॉट मैं लाइफ में कभी जो है ना अकेले सफ़र करने वाली नहीं हूँ। कितनी फुल है I
करना होगा हमें। अच्छी सी धूप आ रही है, अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं। हमें बग्गी के साथ थी तो उन्होंने बच्चों वालों को, जो बच्चों के साथ थे और बग्गी और जो डिसेबल लोग थे उनको पहले अंदर आने दिया है, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो अब मैं बस वेट कर रही हूँ कब हमें जो है प्लेन में बैठाएंगे और कब मैं अपने घर पहुंचूंगी। वेट कर रही है, हम पार्क के बाहर जाते हैं। अब मैं इनका कैसे करूंगी, ये उठाऊंगी मैं ये वाला बैग और इसको बग्गी के ऊपर रखूंगी। 1 2 3 मार, पापा को देख के खुश हो गए हैं। हाय मां, निज्जत निज्जत है ना। मार अमार, कैसा लग रहा अपनी गाड़ी में और अपनी सीट पे बैठ के, अपनी मामा की गाड़ी और अपनी सीट। तो अभी हम जा रहे हैं घर और अमार पीछे बैठे हुए हैं, अभी मैं वीडियो बना नहीं सकती पीछे, इतने सुकून से और इतना खुश हो रहा है और बाहर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकती कि वो कितना खुश हो रहा है। तो अभी हम हाँ वो अपने पापा को देख रहा है, हैरान हो रहा है कि मैं किस तरह अपनी मामा मुझे पापा के पास वापस ले आई हैं। और अपना मुल्क भी, आई मीन अमार का तो अपना मुल्क यही मुल्क है, इस मुल्क में वो पैदा हुआ है। और वैसे भी जहाँ पे हम रहते हैं, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहती हूँ तो मुझे भी थोड़ा अपना लगता है ये। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जो लास्ट में मैंने आपको कहना था कि मैं क्या वजह थी जिस वजह से मैं आ गई, वजह ये हुई कि मैंने रहना था ईद तक, और ईद के बाद भी 2 वीक्स रहना था वहाँ पे, काफ़ी लंबा स्टे था मेरा। मैंने उस लिहाज से पैकिंग की हुई थी, उस लिहाज से मैंने सब कुछ मैं लेके गई हुई थी, लेकिन अमार बहुत तंग कर रहा था वो, स्पेशली जब शबाज़ वापस आ गए तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और बहुत रोता था, जिसकी वजह से मुझे मैंने अपने हस्बैंड को कहा, शबाज़ को कहा कि सीट आगे करवा लें, आगे होती है पीछे होती है आगे। तो उन्होंने सीट मेरी आज की कर दी, आई मीन कि ईद से भी पहले मुझे वापस आना पड़ा सिर्फ अमार की वजह से। और जो बेसिक चीज़ें थी सिर्फ ईदी थी जो मैं नहीं वहाँ पे गुजार सकी, वैसे सबको मिल भी लिया था, जो ज़रूरी जगह थी जाने की वो सब मैंने देख ली, वो सब से मिल लिया। तो फिर मेरी बहन ने भी कहा कि अच्छा है कि चले जाओ, क्योंकि अमार बहुत तंग कर रहा था और कहीं वो बीमार ना हो जाए। तो बस इस वजह से हम वापस आ गए, बस यही वजह थी। तो आई होप कि आपको ये जान के खुशी हुई होगी कि मैं दोबारा से वापस आ गई हूँ अपने घर, अपने मुल्क, और अपने मुल्क नहीं अपने घर। तो बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।